एक तरफ चलती हुई चिताएं, गम में डूबा परिवार और दूसरी तरफ मंच पर लगते हुए ठुमके। ये तस्वीरें देखकर यकीनन आपको हैरानी हो रही होगी। जिस शमशान में खामोशी के साथ हम परिजनों को विदा करते हैं, वहां पर बार बालाओं के ठुमकों का क्या काम। शमशान में चिताओं के पास कोई महफिल सजाकर बैठ जाए और लोग उस महफिल का मजा ले तो आप क्या कहेंगे। आमतौर पर शमशान का मंजर खामोश, गमगीन, उदास और बीच बीच में चिताओं की लकड़ियों के चटकने की आवाज जैसा ही होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बनारस के शमशान के लिए एक रात बेहद खास होती है। ये एक ऐसी रात होती है जब शमशान में रौनक होती है और बार बालाएं ठुमके लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि जश्न की इस रात में शमशान में चिताएं नहीं जलती है, यहां पर चिताएं भी जलती है और घुंघरू और तेज संगीत के बीच बार बालाओं के कदम भी थिरकते। यह नजारा काशी के उस शमशान का है जहां के लिए मशहूर है कि यहां चिता पर लेटने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। यह दुनिया का एकलौता शमशान है जहां पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, जहां लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। लेकिन दहकती चिताओं के बीच बार बालाओं का डांस देखकर चौंकना लाजमी है। तो आपको बता दे कि चिताओं के करीब नाच रही लड़कियां शहर की बदनाम गलियों की नगर वधुएं हैं, जिन्हें आज हम तवायफ कहते हैं। इन्हें न तो यहां जबरन लाया जाता है और न ही इन्हें ठुमकने के लिए पैसे दिए जाते हैं, बल्कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह नगर वधुएं जीते जी मोक्ष हासिल करने के लिए आती हैं। इन्हें यकीन है कि अगर इस एक रात में ये जी भरकर यूं ही नाचती रही तो फिर अगले जन्म में इन्हें नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। इनके लिए साल में एक बार ये मौका आता है चैत्र नवरात्र के आठवें दिन, और इसी दिन शमशान के बगल में मौजूद शिव मंदिर में शहर की तमाम नगर वधुएं इकट्ठा होकर भगवान के सामने जी भर के नाचती है। यहां आने वाली ये नगर वधुएं अपने आप को बेहद खुशनसीब मानती है। आपको बता दें कि काशी के इस घाट पर यह सब कुछ अचानक यूं ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बेहद पुरानी परंपरा है जो बेहद ही हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है। यह परंपरा यहां सैकड़ों साल से चली आ रही है। मान्यताओं के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले राजा मानसिंह ने जानी मानी नर्तकियों को यहां पर डांस के लिए बुलाया था। चूंकि ये मंदिर शमशान घाट के बीचों बीच मौजूद था, लिहाजा तब के चोटी के तमाम कलाकारों ने यहां आकर अपनी कला का जोहर दिखाने से इनकार कर दिया था। जब राजा मानसिंह ने इसे अपमान समझा तो उन्होंने शहर की नगर वधुओं को बुलाकर शमशान के बीच डांस करने का न्योता दिया और उन्होंने इसे स्वीकार किया। यह परंपरा तभी से चली आ रही है। वायरल की डग न्यूज़।